टू आवर यूट्यूब चैनल एवी एजुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 4/5, जो एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल इट मींस क्या लेकर अर्थात ए एंगल और ये एंगल, ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है, ठीक है, और पैरेललोग्राम का तो इसका 4/5, एक जो एंगल है इसका 4/5 है। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आपको गेन करना है। बहुत ही आसान है, देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन में चलेंगे, सॉल्यूशन यहां पर देखिए, मान लेता हूं कि लेट लेट जो एंगल डी बी एक्स डिग्री मान लेता हूं, एंगल डी को मैं एक्स डिग्री मान लेता हूं, और इसमें क्या करेंगे एंड उसके बाद जो एडजेसेंट एंगल तो ए और डी है ना, तो यहां पर जो एंगल ए को क्या मान लेंगे, और एंगल ए हो जाएगा जो 4/5 हो जाएगा, 4/5 एक्स हो जाएगा, ठीक है, ए हो गया। नाउ उसके बाद चलेंगे, नाउ यहां पर लिखेंगे कि जो ए बी, यहां पर ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल किसका है, ए बी पैरेलल सी डी का है, सी डी, जिसमें कह सकते हैं कि जो ए डी हो जाएगा, ए डी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है, एडी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इट मीन्स कहते हैं जब ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो आपको ये जो एंगल ए प्लस एंगल डी बनेगा इज 180 डिग्री। ये कैसे हुआ, तो लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है, इसकी वजह से। तो एंगल ए कितना डिग्री दिया हुआ, एंगल ए 4/5 एक्स दिया हुआ, प्लस एंगल डी कितना दिया हुआ, एक्स डिग्री दिया हुआ, इट मीन 180 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए, तो 4x/5 प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। यहां से मैं एलसीएम लेता हूं तो एक्स यहां पर फिफ्थ आ जाएगा, एलसीएम फिफ्थ इसके नीचे वन रखकर, तो 4x/5 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 9x/5 इक्वल 180 डिग्री। देखिए इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, तो 9x इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 5, इट मीन्स 9x इक्वल टू 900, ठीक है, इतना डिग्री आपको आया है। अब यहां तो समझने वाला बात है, ये आपको कैलकुलेशन आता होगा, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या आया, 9x इक्वल टू 900, एक्स इक्वल टू 900, ये एक्स है, एक्स इक्वल टू 900/9, इट मीन्स ये कैंसिल हुआ तो 100 डिग्री आया। तो एक्स इक्वल टू कितना डिग्री आया, 100 डिग्री। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें गेन क्या करना है, हमें तो एंगल ए प्राप्त हुआ, एंगल ए कितना डिग्री है, 4/5 एक्स था, इट मीन्स कह सकते हैं हम एक्स के जगह पर पुट कर देते हैं, तो एक्स के जगह पर पुट करता हूं तो 4/5 एक्स के जगह पर मैं क्या 100 डिग्री पुट करता हूं, तो ये आ जाएगा 20, तो आ जाएगा 4 × 20, इट मीन्स कह सकते हो 80 डिग्री। तो एंगल ए 80 डिग्री आया। तो एंगल ए किसके इक्वल है, देखिए ध्यान से, एंगल ए हमें पता है कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, तो यहां पर लिख देता हूं कि जो एंगल ए है किसके इक्वल है, एंगल सी का इक्वल, ए सी का इक्वल है, इट मीन्स कह सकते हो कैसे ये इक्वल होगा, और जब ये इक्वल हो जाएगा तो 80 डिग्री का हो जाएगा, तो एंगल सी भी 80 डिग्री का, एंगल सी भी 80 डिग्री का हो गया, ठीक है। कैसे, तो यहां पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल होता है, तो ये तो सी का इक्वल हो गया। और देखिए जो एंगल बी है, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी निकला था तो एंगल डी निकालेंगे, अगेन उसी तरह से चलेंगे, अगेन एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल बी का इक्वल है, कितना डिग्री, तो आपको एंगल बी आपको दिखाते हैं, एंगल बी तो आपको निकला 100 डिग्री, देखिए एक्स, तो ये 100 डिग्री का इक्वल है, ठीक है। तो एंगल जो बी होगा, ए भी आपका कितना डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा,
राइट। तो यहां पर जो ए सेम है कि कैसे इक्वल हो गया, मतलब कि तो कहने का था अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल होता है। तो देखिए यहां पर फाइनली क्या आया, एंगल ए आया आपका, एंगल ए आया कितना डिग्री, एंगल ए आपका आया 80 डिग्री। और भी देख सकते हो एंगल बी कितना डिग्री आया, एंगल बी आपका 100 डिग्री आया। एंगल सी कितना डिग्री आया, एंगल सी 80 डिग्री। और एंड कर सकते हो एंगल जो डी आया कितना डिग्री आया, एंगल डी, तो एंगल डी आपको कितना डिग्री आया, 100 डिग्री। ये आंसर हो गया। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।